सुपरमैन, सुपरवुमन, स्पाइडरमैन एक अंडरवेयर पहनता है, अपनी पैंट के ऊपर दूसरा अंडरवेयर पर बेल्ट पहनता है, तीसरा उसे अपने सिर पर रखता है, हमें सामान्य समझदार इंसान चाहिए, हमें महामानव नहीं चाहिए, ये एक बड़ी चीज है, इसे समस्या न समझें। नमस्कार, हम सद्गुरु, क्या आप खुद पर संदेह करने के बारे में बता सकते हैं और इसे मिटाया कैसे जाए? खुद पर संदेह अच्छा है, मुझे पता है कि सभी कह रहे हैं खुद पर विश्वास करें, विश्वास करें, मैं कहूंगा कृपया खुद पर संदेह करें। कुछ गलती हो तो हमेशा पहले ये देखिए कि वजह शायद आप हैं। मैं आपको हर समय यही सिखाता हूं, आपके जीवन में जो भी सही या गलत हो, सबसे पहले ये देखें शायद मेरी वजह से हुआ है। ध्यान से देखें, वजह आप ना हो तो दूसरों को देखें। आसपास दूसरों पर संदेह करने से खुद पर संदेह करना बेहतर है। शायद आप में कमी रह गई, ओ पर मैं फंस जाऊंगा, नहीं, आप समझदारी से चलेंगे। तथाकथित आत्मविश्वासी बेवकूफ सभी को परेशान करते हुए जी रहे हैं। Little doubt will bring little sense into you. You'll walk a little more gently upon this planet. थोड़ा सा संदेह आप में थोड़ी समझ लाएगा, आप धरती पर थोड़ी कोमलता से जिएंगे। आत्मविश्वास या कोई भी विश्वास आपको स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास देगा, जिससे विनाश होगा। दुनिया को, धरती को और हमारे आसपास के जीवों को जितना नुकसान हुआ है, ये इसीलिए है क्योंकि स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास है। अगर आपको अपने काम को लेकर थोड़ा संदेह होता है तो आप कुछ करने से पहले 10 बार सोचते, है ना, और वो एक समझदार दुनिया होगी। मैं चाहता हूं कि सभी में कुछ आत्मसंदेह हो। कृपया ये ना सोचें कि आप परफेक्ट या महामानव या कुछ हैं। महामानवों को चले जाना चाहिए, हमें धरती पर बस मानवों की जरूरत है। उन्हें अंडरवेयर पहनना भी नहीं आता। हमें ऐसे लोग पसंद नहीं है। ये सभी सुपर हीरो, मुझे लगता है कि लगभग सभी कैलिफोर्निया में पैदा हुए हैं, है ना, क्या मैं सही हूं? सुपरमैन, सुपरवुमन, स्पाइडरमैन सभी कैलिफोर्निया में पैदा हुए हैं। ओके। कोई पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहनता है, दूसरा अंडरवेयर पर बेल्ट पहनता है, तीसरा उसे अपने सिर पर रखता है, और ऐसा करके वो सुपर हैं। नहीं, हम सामान्य समझदार इंसान चाहते हैं, हमें महामानव नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा बेवकूफी की है। जो लोग खुद को सुपर मानते हैं उन्होंने हमेशा बेवकूफी करके जीवन को नुकसान पहुंचाया है। हम समझदार, सामान्य, आनंदमय इंसान चाहते हैं, तब यहां एक सुंदर जीवन होगा। और सामान्य मनुष्यों को हमेशा अपने हर काम पर संदेह करना चाहिए, क्योंकि आप इस अस्तित्व को कभी भी पूरी तरह नहीं देख सकते। आप अस्तित्व को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में ही देख रहे हैं, हमेशा छोटे टुकड़ों के साथ। अगर आप में बहुत आत्मविश्वास है तो आप खतरनाक हैं। छोटे टुकड़ों से हम छोटे काम कर पाते हैं, हम पूरे अस्तित्व को चलाना नहीं जानते, ठीक है। आत्मसंदेह होना सबसे अच्छा है, ये एक बड़ी चीज है, इसे समस्या ना माने। आप उन अति आत्मविश्वासी बेवकूफों की तरह बनने की कोशिश ना करें जो इस धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सोचें कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। नहीं, संदेह ठीक है, हाँ संदेह अच्छा है। संदेह यानी आप सत्य की खोज कर रहे हैं। अपने संदेह को शक में ना बदलें, शक बीमारी है। कुछ गलत ही होगा, ये शक है, कुछ गलत हो सकता है, ये ठीक है, ठीक है।
यह आपको सचेत और जागरूक रखता है, हमेशा सतर्क, आलस नहीं आता। हाँ, ये जीने का अच्छा तरीका है। Thank you.